मधुबनी में डॉन बॉस्को स्कूल का 8 वर्षीय छात्र बना लेखक आदर्श भारद्वाज ने विश्व का सबसे कम उम्र का लेखक बनने का कीर्तिमान किया स्थापित। डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक दिवस पर शिक्षक हुए सम्मानित। स्कूल का 8 वर्षीय छात्र आदर्श भारद्वाज लिखित पुस्तक एल्गोरिथम ऑफ फियर का विमोचन। मधुबनी में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक छात्र ने अपने शिक्षकों को अपनी कृति का ऐसा अमूल्य उपहार भेंट की जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। मधुबनी जिले के प्रतिष्ठित डॉन बॉस्को कॉन्वेंट स्कूल का महज 8 वर्षीय छात्र आदर्श भारद्वाज ने विश्व का सबसे कम उम्र का लेखक बनने का कीर्तिमान स्थापित करते हुए अपने लिखित पुस्तक का शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने शिक्षकों के हाथों विमोचन करवाया। स्कूल का 8 वर्षीय छात्र आदर्श भारद्वाज लिखित पुस्तक एल्गोरिथम ऑफ फियर का शिक्षक दिवस के अवसर पर विमोचन किया गया। स्कूल के CND मनोज कुमार, MD आदित्यानंद, शैक्षणिक निदेशक सुमन शेखर झा, प्रिंसिपल मुकेश मिश्रा, शिक्षक शिवनारायण मंडल, नन्हे लेखक के पिता डॉक्टर सुरविंद झा ने पुस्तक का विमोचन किया। सभी ने नन्हे लेखक को बधाई दी। 8 वर्षीय नन्हा लेखक आदर्श भारद्वाज ने कहा कि अंग्रेजी में लिखे 69 पेज की पुस्तक में 10 अध्याय दिए हैं। कुछ लिखने की अभिलाषा थी और माता पिता की प्रेरणा ने उन्हें पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्हें नहीं पता कि उनसे कम उम्र के पुस्तक लिखने वाले अभी गूगल में ही नहीं दिख रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि गूगल सर्च इंजन सबसे छोटे 6 वर्ष के बालक दोरिथी विश्लों की जानकारी देता है, जो एक कविता लिखा था। किताब लिखने वाले सबसे छोटे उम्र के 14 वर्षीय बालक निकोलस हाली है। अगर गूगल की दी हुई जानकारी सही है तो डॉन बॉस्को स्कूल का छात्र आदर्श भारद्वाज विश्व का सबसे छोटा लेखक बन गया है। इसकी पुस्तक प्रकाशित है। लोगों ने पुस्तकों की काफी प्रशंसा की है कि वह इस पुस्तक को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बेचने की कोशिश करेंगे। इसकी उपलब्धता अमेजोन से लेकर फ्लिपकार्ट तक दी गई है। डॉन बॉस्को ग्रुप का कॉन्वेंट स्कूल के CMD मनोज कुमार ने शिक्षक दिवस पर छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की तरह शुद्ध और सुलभ ज्ञान छात्रों में आना चाहिए। शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूल प्रांगण में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्वलित कर शिक्षक दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की गई। केक काटा गया। शैक्षणिक निदेशक सुमन कुमार झा, प्रबंध निदेशक आदित्य आनंद एवं प्राचार्य मुकेश मिश्रा सहित अन्य शिक्षकों ने अपना संबोधन दिया। विमोचन के मौके पर शिक्षक शिवनारायण मंडल, राघव जी झा, नितिश कुमार राय, विकास नाथ झा, उदय कांत झा, वरुण कुमार झा, छात्र साहिल कुमार मंडल, सुमन त्रम कर्ण, अमृता सिंह, नूपुर झा, परिधि झा आदि शामिल थे। झंझारपुर से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। बुक में आपने क्या लिखा एक लाइन में? इस बुक में मतलब 10 हॉरर स्टोरी है, वो सभी हॉरर से रिलेटेड ही है, जैसे टेडी बेयर हो गया, उससे हॉन्टेड हाउस, कैंप, सभी से सब चीज से बुक बना है। उसकी कहानी सबसे आदर्श फियर है, लिखने का बहुत शौक है। हमारे घर में छोटा लाइब्रेरी भी है इसका। अप्रॉक्स 250 किताब इसकी अपनी है जो अपना पसंद का ही खरीदा हुआ है, और जैसा ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहता है। अभी इसका नेक्स्ट नोवेल आ रहा है, साहित्यांगन प्रकाशन से आने वाला है, जो कि विश्वस्तरीय प्रकाशन है। इसी तरह आगे बढ़ाते हैं। प्रकाशन सबसे बड़ा चीज़ है, हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अपने अभिभावकों भी कहते हैं, जो आज के समय में बहुत इसमें गिरावट आ रहा है। आज के बच्चों को देखा जाता है कि अनुशासन का सबसे कमी हो रहा है। जब कभी भी हमको बोलने का कहीं भी मौका मिलता है तो हम अनुशासन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए अभी भी मेरा ये है कि जो ऊंचे पद पर भी गए हैं वो अपने बच्चों को पहले अनुशासित करें। उसके पास देश के जितने बच्चे हैं, चाहे अपने जहाँ वो काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनुशासन आज बहुत ज़रूरी है। जो हमारे क्षेत्र में देख रहे हैं कि अनुशासन में बहुत बड़ा गिरावट आ रहा है बच्चों में, इसमें गार्जियन का कहीं ना कहीं दोष भी आ रहा है। जैसे हमको पता चल रहा है, चूँकि 1991 से हम संस्था को चला रहे हैं और बहुत छोटे स्तर से हम जिला लेवल पर बहुत अच्छा किए हैं, तो अनुशासन बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए हम आग्रह करेंगे अभिभावक से भी शिक्षक दिवस के अवसर पर, और हमारे बहुत बच्चे का बच्चा भी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके भी हम शिक्षक गुरु हो रहे हैं, इसलिए उनसे भी आग्रह करेंगे कि अनुशासन पर कुछ अपना ध्यान रखें बच्चों पर। जो देश में अनुशासन अगर रहेगा तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही, पढ़ाई थोड़ा कम करें
लेकिन अनुशासन रहेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा।